हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके Redmi मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम होती है, आपके मोबाइल में साउंड नहीं आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, आप अपने मोबाइल से किसी भी म्यूज़िक को प्ले करते हैं या फिर कुछ भी प्ले करते हैं तो आपका जो स्पीकर होता है उसमें आवाज़ नहीं आती है। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे ये लाइंस वगैरह हैं उन सभी को आपको फुल कर देना है। और यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, म्यूट वगैरह नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे ये फुल करके रखें। और एक बार ये भी चेक कर लें कि साइलेंट मोड पे आपका मोबाइल तो नहीं लगा हुआ है, तो इस ऑप्शन को भी ऑफ कर दें। अगर साइलेंट पर रहेगा आपका मोबाइल फिर भी आप के मोबाइल में स्पीकर वर्क नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके मोबाइल में जो स्पीकर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद एक बार अपने मोबाइल में यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसको आपको ढूंढ लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेक कर लेना है कि कोई अपडेट तो नहीं आया। अगर दोस्तों अगर आपके मोबाइल में कोई भी अपडेट आया होगा और साउंड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आया हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट आया हो तो एक बार अपने मोबाइल को अपडेट ज़रूर कर लीजिए। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन रह जाएगा आपके पास, आपको करने का है अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। इसके लिए आपको सिंपल से पावर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है। अब जैसे ही आप पावर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो दो ऑप्शन निकल के आएंगे, पावर ऑफ और रीस्टार्ट का। तो सिंपल से आपको रीस्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके में रीस्टार्ट की जगह रीबूट का भी ऑप्शन हो सकता है, ध्यान रहे आपके रेडमी मोबाइल में रीबूट का भी ऑप्शन हो सकता है, तो आपको रीबूट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगा, तो रीस्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, और स्विच ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो मोबाइल है स्विच ऑन हो जाएगा। फिर आप चेक कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर इतना करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो सिंपल से आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल का जो स्पीकर है उसको आपको किसी नज़दीकी स्टोर पर ले जाना है, मोबाइल स्टोर पर ले जाना है और चेक करा लेना है कि कोई भी मोबाइल में जो आपका स्पीकर है, आपके मोबाइल का जो स्पीकर है वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, एक बार ये ज़रूर चेक करवा लें। दोस्तों जितना मैंने आपको बताया अगर आप इतना ज़रूर करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स तो हो जाएगी। अगर आपके कोई टेक्निकल एरर वगैरह है, अगर कोई भी मोबाइल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने बताया, लेकिन अगर आपके स्पीकर में ही कोई दिक्कत आ रही है तो आप स्टोर पर जाके चेक करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।